मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय बर्वे रिटायर हो चुके हैं, अब उनकी कमान संभालेंगे 90 के दशक के इनकाउंटर की झड़ी लगाने वाले परमवीर सिंह। अब मुंबई पुलिस कमिश्नर बने। महाराष्ट्र सरकार ने सीनियर आईपीएस परमवीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया है। परमवीर सिंह सन 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, अब मुंबई पुलिस कमिश्नर बन चुके हैं। आपको बता दें कि परमवीर सिंह इससे पहले एसीबी के महानिदेशक थे। परमवीर सिंह मालेगांव ब्लास्ट की जांच को लेकर चर्चा में आए थे। मालेगांव ब्लास्ट की साजिश के आरोप में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को एटीएस ने गिरफ्तार किया था। भले ही उस वक्त हेमंत करकरे एटीएस के चीफ थे, लेकिन बतौर डीआईजी एटीएस परमवीर सिंह के पास जांच की जिम्मेदारी थी। सितंबर 2017 में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर की गिरफ्तारी के वक्त भी परमवीर सिंह ठाणे पुलिस कमिश्नर थे। इकबाल कास्कर को बिल्डर से उगाही के आरोप में ठाणे क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। इसके अलावा अंडरवर्ल्ड स्पेशलिस्ट परमवीर सिंह माने जाते हैं। सन 1993 के सीरियल बम धमाके के एक आरोपी को भी पकड़ा था। ठाणे पुलिस कमिश्नर रहने के दौरान उन्होंने ड्रग्स रैकेट केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को आरोपी बनाया था। ममता के पति भी विकी गोस्वामी भी केस में शामिल थे। ड्रग्स रैकेट के केस में चंडीगढ़ के डीआईजी शाजी मोहन को भी गिरफ्तार किया था। अगर हम बात करें मुंबई के इतिहास में, तो सबसे ज़्यादा इनकाउंटर किए हैं और अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ दी थी। इसके अलावा परमवीर सिंह ने डॉन अरुण गवली की दगड़ी चाल में भी कई ऑपरेशन किए थे। बहरहाल अब मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय बर्वे के रिटायर होने के बाद अब परमवीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।